हेलो एवरीवन, कंचन की रसोई में आपका स्वागत है। आज मेथी के पराठे बनाएंगे। मेथी के पराठे बनाने के लिए मेथी को मैं पहले पीस लूँगी। मैंने धो के रखी हुई थी, तो ये देखिए मैंने पीस ली है। अब इसको पीस ली है तो अब मैंने आटा भी छान लिया इधर। आटा छानने के बाद अब मैं मेथी इसी में डाल दूँगी जो मैंने पीस ली है। ये देखिए आटे में डाल दी। अब ये मैंने धनिया काट के रखी थी, ये भी डाल रही हूँ। हरी धनिया भी डाल दी है। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए। और ये देखिए अजवाइन मैंने ली है, आधा टीस्पून है। मैंने इसको अच्छे से क्रश कर दिया है। और ये जीरा पाउडर मैंने डाला है इसमें, आधा टीस्पून डाल रही हूँ। और लाल मिर्च पाउडर, और मैंने मेथी के साथ ना हरी मिर्च भी एक पीसी थी, तो मैंने इसलिए इसमें हल्की ही लाल मिर्च डाली है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे हरी मिर्च डालिए चाहे लाल मिर्च डालिए। अब इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी आटे को। ये देखिए आटा तैयार हो गया है। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, अब मैं बेल रही हूँ इसको। तो ये मैंने बेल लिया है। अब इसमें आप घी या फिर रिफाइंड से, ये देखिए अच्छे से लगाएंगे इसको। अब इसको फोल्ड कर देंगे। चौकोर वाले बना रही हूँ मैं पराठे। अब इसको भी बेल लेंगे सूखा आटा लगा के। ये देखिए मैंने बेल दिया है। अब इसको तवे पे डाल रही हूँ मैं। तवा गर्म हो गया है, तो ये देखिए मैंने तवे पे डाल दिया है। एक साइड से हल्का सा सिक गया, अब इसको मैं पलट दूंगी। अब इसमें मैं रिफाइंड लगाऊंगी, ज़्यादा पका के नहीं लगाऊंगी, नहीं तो करारा नहीं होगा। हल्का ही पका के आप इसमें रिफाइंड लगा दीजिए, या फिर देसी घी से बनाना है तो देसी घी से भी बना सकते हैं आप। ये देखिए इसको हल्के हाथ से ही मैं कर रही हूँ, जो कि कुरकुरा हो जाए, दबा दबा के नहीं करती मैं। ये देखिए चम्मच से ही हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे। इस तरीके से बनाइएगा, पराठे बहुत ही करारे करारे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं प्लेट में डाल लूँगी। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है।